ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में तमाम पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में सियासी बयानबाजी भी जमकर तेज हो चली है। पोस्टर वॉर का दौर भी सूबे में तेज देखा जा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के तीखे अंदाज में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट भी खूब चर्चाएं बटोर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज भरे अंदाज में एक और पोस्ट किया है। इस पोस्ट की सियासी गलियारों में खूब चर्चा है और साथ ही इस पोस्ट के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल माइक्रोसाइट एक्स के आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है, डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिसके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9। तो अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में बीजेपी पर तंज किया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है पर उनके इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये ट्वीट भी काफी वायरल है और लोग इस पर तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। बता दें कि यूपी में उपचुनाव के मद्देनजर सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी जमकर सपा पर फायर है और पार्टी की तरफ से सपा को जमकर घेरा जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किए जा रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।